मुंबई जैसे बड़े शहर में ऊंचे ऊंचे टावर्स में फ्लैट दिलाने के नाम पर हजारों लोगों से लाखों और करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक जाने माने उद्यमी बिल्डर का पर्दाफाश। खुद 13 साल से घर मिलने का इंतजार कर रहे पीड़ित लोगों ने सामने आकर किया है। आज जहां एक और नागपुर के जामठा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया, वहीं दूसरी ओर इसी उद्घाटन में मोहन भागवत के साथ मौजूद उद्यमी ललित टेकचंदानी ने मुंबई के हजारों लोगों के साथ लाखों की धोखाधड़ी की है। दरअसल मुंबई के एक इलाके में क्लीन सिटी प्रोजेक्ट के तहत 35-35 माले के 9 टावर बनाने का काम पिछले 10 सालों से शुरू है, जो अब तक खत्म नहीं हो रहा है। इस टावर में हजारों लोगों ने साल 2010 में ही बुकिंग की थी, जिसके पूरे पैसे साल 2015 तक लोग दे भी चुके हैं, पर अब तक लोगों को घर नहीं दिया गया। ये पीड़ित लोग बताते हैं कि साल 2017 से लगातार अगले साल कहकर लोगों को यूं ही टाला जा रहा है। आखिरकार इन हजारों पीड़ित लोगों का सब्र का बांध टूट पड़ा और ये लोग इंसाफ मांगने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नागपुर निवास पहुंचे। यहां 10 सालों से अपने घर की आस में किराए के मकान में गुजर बसर कर रहे लोगों ने रोते बिलखते न्याय की गुहार लगाई है। इन पीड़ित लोगों का कहना है कि अपने हक के मकान को पाने के लिए जब ये उद्यमी बिल्डर ललित टेकचंदानी और संबंधित बिल्डर के पास जाते हैं तो उन्हें टाल दिया जाता है। जब त्रस्त लोगों ने पुलिस की मदद मांगने की बात कही तो इन बिल्डर्स ने इन लोगों से कहा कि पुलिस हमें कुछ नहीं करेगी, आपको लौट कर हमारे पास ही आना होगा। ऐसे में रोते बिलखते हुए न्याय की आस में लोगों ने नाना पटोले को सारा मामला बताया। जब हम इनके पास हजारों मीटिंगें की है, कोई जवाब नहीं आ रहा है इनका, एक पैसे का भी कोई आंसर नहीं आ रहा। सब झूठ पे झूठ कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री का फंड आ रहा है, इसका फंड आ रहा है, उससे हम लोग पैसा ले रहे हैं, इसका पैसा, किसी का कोई भी हमको आश्वासन देके अभी तक हमको 7 साल में ऐसे ही खड़ा कर दिया है। और मैंने कुछ पैसे बाहर से ब्याज से उठाए थे, वो ब्याज पे मेरे को लास्ट में अपने घरवाले का सोना बेच के भी मेरे को उनको चुकाना पड़ा पैसा। मेरा बैंक का लोन नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने रिश्तेदारों लोगों से लिया था, उनको मैं कुछ इंटरेस्ट भरता था। वो करते करते मैंने अपने लॉकडाउन में अपने वाइफ का सोना बेच के उन लोगों को दिया हूँ। अभी तक मेरी एक मेंटली रिटायर्ड बेबी है सर, उसको बोर्डिंग में रखने के लिए 35,000 रुपये महीने का खर्चा आ रहा है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ सर। तो इसके लिए मैंने अभी इन लोगों को बोला, भाई मुझे कुछ पैसा दोगे तो मैं अपनी बेबी को, हम लोग अपनी बेबी को घर पे नहीं रख सकते, वो हैवी मेंटली रिटायर्ड है, उसको संभालने के लिए 3 जन लगते हैं, तो मैं नहीं संभाल सकता हूँ सर। मैंने इनके लिए उनको रिक्वेस्ट की थी, भाई बोर्डिंग है, मैं बोर्डिंग में रखने का मेरे को चार्जेस आते हैं, वहाँ पे फ्री में कोई नहीं रखता है। तो उन्होंने बोला हाँ करते हैं, मैंने उनके सामने पाँव भी पड़े थे, अरुण मकीजानी के जगह पाँव पड़े थे, हाथ जोड़ा था, तो भी वो मेरी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, मेरे को बोलते हैं हाँ करते हैं देखते हैं। और मेरा एक दिन बोला आपका फ्लैट हम लोग बेचेंगे, लेकिन उसका पैसा आपको 8 महीने के बाद में देंगे, स्लो करके आपको एक एक 2-2 लाख रुपए देंगे। मैं बस सर वो मेरे काम में नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुने, बोला नहीं आपको जो करना करो चलो जाओ। मैंने उनको वो तो मैंने उनको बोला एक दिन सर मैं क्या करूँ, पुलिस स्टेशन बोलता है जाके फायदा नहीं आपका, आप जाएंगे वापस खाली हाथ आ जाएंगे, आपको वापस इधर ही आना पड़ेगा हमारे दरबार में, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं। तो मैंने लोकल लोगों से वहाँ से पूछा, बोलता है तुम लोगों ने किसके पास जाके तुम लोग फंस गए हो, बोला ये तुम्हारा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये इनका चक्रव्यूह ऐसा है कि पब्लिक को लूटना, इन्होंने कार पार्किंग है, लोगों से कैश में पैसे ले लिए, कैश फ्लोट बहुत किया इन्होंने, इनका बड़ो होल्ड है बस उधर ही। हम लोग चेंबूर में कुछ बोल नहीं सकते, अभी मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, मुझे तो मालूम नहीं आगे मेरा क्या करेगा, मैं जो करेगा सब जनता का भला हो जाए। हम लोग इसीलिए मैं इसके पीछे 5 साल से लगा हूँ सर, अभी तक मैंने इनके पीछे 172 लोगों के साथ फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले इन लोगों में प्रमुख नाम ललित टेकचंदानी, जो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन में शामिल है तस्वीरों में जो कि साफ दिखाई दे रहा है। इनके अलावा अरूप मकचंदानी और राजू काचवाला भी इस मामले में शामिल है। धोखाधड़ी का शिकार हुए इन हजारों लोगों की तरह इंसाफ के लिए एक बच्ची ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया है, जिसमें वो न्याय की गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगा रही है, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ जुड़े होने के कारण पुलिस ना ही उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है और ना ही इस मामले पर कोई भी कार्रवाई कर रही है। मेरे पिताजी ने एक घर खरीदा है और बिल्डर उसका पोजीशन नहीं दे रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है क्लीन सिटी। यह प्रोजेक्ट नवी मुंबई के तलोजा में स्थित है। इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स का नाम है
ललित टेक चंदानी, अरुण मक्खी जानी और राजू काचवाला, ये लोग खुद को आरएसएस के स्वयं सेवक बताते हैं, इसलिए हमने इनसे घर लिया है। लेकिन यह लोग अच्छे नहीं हैं। 14 वर्ष होने के बावजूद इन लोगों ने हमें हमारे घर नहीं दिए हैं और मैं भाड़े के घर से रहती हूँ और मेरे पिताजी ने यह घर लोन पे लिया है और वो अभी भी यह लोन चुका रहे हैं। मेरे पिताजी के पास कोई नौकरी नहीं है और वे मेरे स्कूल के फीस भरने के लिए भी उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी से भी निवेदन करती हूँ कि कृपया आगे आइए और मेरी समस्या में मेरी मदद करिए। धन्यवाद। पीड़ित लोगों की गुहार सुनने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मामले पर स्वयं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा लोगों की मदद किए जाने की बात कही है। नाना पटोले ने कहा कि आरएसएस का सदस्य खुद हिंदू पर अत्याचार कर रहा है। नाना पटोले ने तंज कसते हुए कहा कि खुद मोहन भागवत न्याय दिलाए। मोहन भागवत को खुद इस मामले पर कुछ करना चाहिए क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं करेगी। इसी के साथ ही नाना पटोले ने कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। इस मामले पर नाना पटोले ने यह पूछा है कि क्या आरएसएस जनता के पैसे लूटने वाली संस्था है, क्या आरएसएस गुंडागर्दी करने वाली संस्था है। इसी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल नाना पटोले ने यह खड़ा किया है कि क्या जनता के ही लूटे हुए पैसों से यहाँ अस्पताल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हाथों और उसी व्यक्ति के मौजूदगी में संपन्न हुआ है। नाना पटोले ने कहा कि खुद मोहन भागवत इन लोगों को न्याय दिलाए और अगर न्याय नहीं मिलता है तो यह सिद्ध होगा कि आरएसएस एक गुंडा राज चला रही है। परेशानी से पैसे कैसा कैसा टेंपू फीस मेरे के पैसे भर रही थी, पेट काट करके अपना पैसा भरती थी और इन लोग राजू ये मक्खी जान, राजू काच वाला और एक चंदानी, ये तीनों मिल के ये बोलते आप लोग कहाँ भी जाएंगे आप लोग का कुछ नहीं चलेगा। इन लोग आरएसएस वाले बोलते हम लोग किसी से नहीं डरते, आप लोग कहाँ भी जाओ, आप लोग जहाँ भी जाना है जाओ, आप लोग का कुछ नहीं चलने का। प्लीज देवेंद्र सरपंच देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे साहब और मोदी साहब, प्लीज आप हमारी रिक्वेस्ट है, मेरी मैं विवा हूँ, मेरी एज है 73 और आप लोग प्लीज हमारे लिए कुछ करिए कि हमें हमारा फ्लैट मिल जाए। प्लीज बहुत तकलीफ हो रही है, कितना लीज भर भर के 2017 से हम थक गए, बस अब हमें आशा है अब जरूर ये काम हो जाएगा आप लोग का इंशाल्लाह। अब देखना यह होगा कि हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाला आरएसएस से जुड़ा यह शख्स बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ जो खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ उद्घाटन समारोह में साथ खड़े तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, क्या इस शख्स पर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या लोगों को उनका घर या लूटे गए उनके पैसे वापस मिल पाएंगे, किस तरह लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट। जो आज यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है उसमें ललित टेकचंदानी नाम का डायरेक्टर उसमें है, वो अपने आप को आरएसएस का व्यक्ति बताता है और आरएसएस का होगा क्योंकि आज के इनॉग्रेशन में मोहन भगवत जी के पीछे में वो है, यानी वो आरएसएस के एक बड़े पद पे उंदे पे व्यक्ति होगा, उसका अर्थ हम ऐसे लगाते हैं। आज अभी आपने वीडियो भी देखा है, लोगों की भावनाओं को देखा है, जो लोग यहाँ पर आए उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और गए 13 साल से ये ललित टेकचंदानी और उनके साथियों ने
इनको फ्लैट देने के नाम से पैसे लिए गए हैं, हजारों लोग हैं, कोई एक दो लोग नहीं, हजारों लोग हैं। और आरएसएस वाले हम हैं, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये आरएसएस ये गुंडा पार्टी है, गुंडा संस्था है, और ऐसा इसका मतलब जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि मोहन भागवत जी आप इसके प्रमुख हो, और मोहन भागवत जी सरकार तो न्याय दे नहीं सकती, क्योंकि अभी भी एफआईआर भी दर्ज नहीं करते वो पुलिस वाले, यानी इसके लिए सरकार का आशीर्वाद इनके ऊपर है। और इसलिए मोहन भागवत जी, अगर आप गुंडा संस्था नहीं हो तो ये लोगों को आपके माध्यम से न्याय मिलना चाहिए, ये उम्मीद हम करते हैं। हम लोक प्रतिनिधि कर इस व्यवस्था को अलग ढंग से अलग अलग जगह पर रखेंगे। लेकिन जो आज बात सामने आई, जो आपके एनसीआर का जिसका बड़ा इनॉग्रेशन देश के गृह मंत्री से आप करने वाले थे, राज्य के मंत्रिमंडल से करने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए, मोहन भगवत जी आप है और आप इनॉग्रेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये जनता के पैसे के लूटे हुए पैसे से आप अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे क्या, ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। और आपने इनको जवाब देना है और इनको जस्टिस देना है, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है।